हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग डेली का बिहार स्पेशल का जो 7500 से ज़्यादा जो प्रश्न है उसी को हम लोग टेकल कर रहे थे, है ना। तो अगला टॉपिक वाइज जो है, ताकि आपका बिहार स्पेशल से प्रश्न बने भी और छूटे भी ना, है ना। अगर आप किताब एक बार पढ़ लिए हैं तो आपसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा निश्चित तौर पर। टॉपिक वाइज है, अगर हम सारे प्रश्नों को कहीं बेहतर तरीके से एक बार रिवाइज कर लें तो बिहार स्पेशल से संबंधित इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स जो भी हो आपसे नहीं छूटने वाला। बहुत सारा प्रश्न है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सारा सवाल जो पूछा गया भी है, है ना। तो देखते हैं हम लोग, पहला सवाल जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय को लेकर के, है ना, प्रश्न बनाया गया है। निम्न में से कौन अकाल के समय मगध में रुका था, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाता है और ये है आपका VVI प्रश्न, है ना। निम्न में कौन अकाल के समय मगध में रुका था, तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, स्थूल भद्र जो है यही रुक गए थे और भद्रबाहु जो हैं श्रवण बेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले गए थे, है ना। चलिए देखते हैं दूसरा, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग अकाल के समय मगध में रुके थे, अकाल के समय मगध में रुके थे। दो का क्या हो जाएगा, ये श्वेतांबर जो लोग हैं, श्वेतांबर यही लोग मगध में रुके थे, है ना। किस संप्रदाय के लोग अकाल के समय मगध में रुके थे, है ना। तो दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा का ए आंसर हो जाएगा श्वेतांबर। जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर हो जाता है। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर मतलब होता है जो नग्न ही रहना पसंद करते हैं और ऐसा उनको लगता है कि पूरा जो अंबर है उनका वस्त्र हो जाता है। अगला, श्वेतांबर जैनियों को क्या कहा जाता है, है ना। तीसरा नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिएगा तीसरा में यति भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं, है ना। तीसरा का क्या हो जाएगा, श्वेतांबर जैन मुनियों को हम लोग साधु भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं और यति भी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े, आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा सवाल हो जाता है, चार नंबर सवाल, निम्न में से जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा, है ना, नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है, है ना। इसी कठोरता के वजह से ज़्यादा, मतलब समझिए कि विस्तार रूप और ज़्यादा सफल नहीं हो पाया जैन धर्म। हालांकि बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म अस्तित्व में आ गया था, लेकिन उतना सामाजिक जो जनाधार है बौद्ध की इतना नहीं हो पाया, यही कठोरता की वजह से। निम्न में से जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था, चार नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए दिगंबर के द्वारा किया जाता था, है ना, दिगंबर के द्वारा। अगला देखेंगे, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं, पाँच नंबर सवाल, अविवाहित, है ना। कौन संप्रदाय के लोग हैं जो महावीर स्वामी को कहते हैं अविवाहित, तो ये दिगंबर हो जाते हैं। आंसर क्या है, डी हो जाता है, VVI आपके लिए। अगला, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद। प्रश्न कहता है कि बताइए किस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते हैं। छठा का क्या हो जाएगा, देखिए दिगंबर जो लोग हैं यही आवश्यक नहीं मानते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सात नंबर सवाल हमारा है, सात कहता है कि निम्न में कौन श्वेतांबर संप्रदाय का, है ना, श्वेतांबर संप्रदाय का, श्वेतांबर संप्रदाय का क्या है, उप संप्रदाय है। सात नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए पुजेरा भी हो जाएगा, ढूठिया भी हो जाएगा और कर्मा भी हो जाता है। आंसर क्या है, डी हो जाएगा, सॉरी आंसर जो है ए और बी हो जाता है, कर्मा नहीं होगा, है ना, ए और बी हो जाता है, है ना, डी, श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय पुजेरा और ढूढ़िया हो जाता है। निम्न में से कौन दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है, किसका, दिगंबर संप्रदाय का कहता है, उप संप्रदाय कौन सा हो जाएगा, तो आठ का देखिए, आठ का आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा, ए बी और सी तीन हो जाएगा, बिशापंथी, बिशापंथी, तेरापंथी और सौम्यापंथी, ये दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हो जाते हैं, है ना। अगला देखिए, निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा मंदिर मार्गी तथा जैन तीर्थंकरों की पूजा की जाती थी, और ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए,
नौ नंबर जो सवाल है, है ना, नौ नंबर सवाल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए होता है और इसमें इसका आंसर पुजेरा हो जाएगा। नौ का आंसर क्या हो जाएगा? पुजेरा हो जाता है ना। अगला देखेंगे, निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा केवल सिद्धांतों को माना जाता है? केवल सिद्धांतों को माना जाता है। दस का आंसर क्या हो जाएगा? ये ढूढ़िया हो जाता है, ढूढ़िया, है ना, जो केवल सिद्धांतों को ही स्वीकार करता है और मानता है। किस संप्रदाय द्वारा जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा की जाती है? ग्यारह नंबर जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, बीसा पंथी हो जाता है और थेरा पंथी हो जाएगा। आंसर क्या है? बी और सी दोनों हो जाएगा, है ना। इसी संप्रदाय यानी कि बीसा पंथी और थेरा पंथी के लोग ही क्या करते हैं? मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखें, बारह नंबर सवाल है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं करता था? बारह नंबर क्या हो जाएगा? देखिए, तारणपंथी ये मूर्ति पूजा नहीं करता था। आंसर ये है, अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाते हैं? अक्रियावादी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरह नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, पूरन कश्यप हो जाता है, पूछा गया सवाल है बीपीसी में। अगला देखिए, किस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता, है ना। चौदह नंबर सवाल है, चौदह नंबर बहुत भी आई है ना। क्या हो जाएगा? कहता है किस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता? तो ये अक्रियावादी हो जाएगा। आंसर क्या है? डी हो जाता है, है ना, आंसर डी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पंद्रह नंबर सवाल है, कहता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाते हैं? पंद्रह नंबर सवाल है, पूछा गया है बीपीएससी में, पंद्रह नंबर सवाल बीपीएससी में पूछा गया है, है ना। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो मखली गोशाल हो जाते हैं, मखली गोशाल। आंसर क्या है? डी हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था, है ना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलह नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्न में से किस शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था? कौन? तो सोलह नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए, बिंदुसार ने भी संरक्षण दिया, अशोक सम्राट ने भी दिया और दशरथ ने भी दिया, है ना। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, है ना, सत्रह नंबर सवाल देखेंगे। सत्रह कहता है यहाँ पे कि भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सत्रह नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहता है कि भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाते हैं? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा अजीत केश कम्बलिन, है ना। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक है अजीत केश कम्बली हो जाते हैं। बहुत बार पूछा गया है सवाल ये, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अठारह नंबर सवाल। निम्न में से किस संप्रदाय को लोकायत संप्रदाय कहा जाता है? अठारह नंबर सवाल क्या हो जाएगा? बहुत बेबी आई है ये, है ना। कहते हैं किस संप्रदाय को लोकायत संप्रदाय कहा जाता है, है ना। तो अठारह नंबर क्या हो जाएगा? भौतिकवादी जो संप्रदाय है इसी को कहा जाता है, भौतिकवादी को लोकायत संप्रदाय कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, 19 नंबर सवाल है, है ना, 19 नंबर सवाल। कहता है कि निम्न में से किसने चरवाक दर्शन का विकास किया? और ये आपके लिए बहुत भीभीआई हो जाता है, है ना। 19 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए, अजीत नाथ हो जाएंगे। 19 नंबर सवाल जो है अजीत नाथ हो जाते हैं, और किसने चरवाक दर्शन का विकास किया? अजीत नाथ ने। ठीक है, चरवाक का क्या अर्थ होता है? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो है जीते किस सिद्धांतों पे? चरवाक के सिद्धांतों को, है ना। चरवाक के सिद्धांतों को जीते जरूर है, लेकिन इनके फिलॉसफी को लोग स्वीकार नहीं करते। 20 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? चरवाक का क्या अर्थ होता है, है ना। 20 नंबर सवाल क्या है? तो देखिए, सुंदर बोलने वाले लोगों का समूह को चरवाक कहा जाता है, है ना। सुंदर बोलने वाले लोगों का समूह होता है जिसको हम लोग चरवाक कहते हैं, ना। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि निम्न में से किस दर्शन के अनुसार वेदों की रचना झूठी मक्कार एवं मांसाहारी लोगों द्वारा की गई थी, है ना। देखिए कितना बढ़िया बात लिखा है ना।
निम्न में से किस दर्शन के अनुसार कहता है कि वेदों की रचना झूठे मकार एवं मांसाहारी लोगों द्वारा की गई थी। 21 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए चरवाक के द्वारा ये बात कहा जाता है। बहुत बेबी आई। उसने कहा कि वेदों की रचना झूठे लोग, मक्कार लोग है ना, और मांस खाने वाले लोगों के द्वारा किया गया है ना। अगला देखते हैं, चरवाक दर्शन वाले किसमें विश्वास नहीं करते हैं। 22 नंबर है ना, किसमें विश्वास नहीं करते हैं चरवाक दर्शन वाले। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाता है 22 का, है ना। तो 22 में क्या हो जाएगा, ईश्वर में विश्वास नहीं करते है ना, और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, संपत्ति में तो अटूट विश्वास रहता है ना। भौतिकवादी में ये भौतिकवादी संप्रदाय भी कहा जाता है इसको। चलिए अगला देखते हैं, 23 नंबर 23 नंबर सवाल है कि अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाते हैं। इसे याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर क्या हो जाएगा, कहता है कि अनिश्चयवादी संप्रदाय के जो संस्थापक है संजय बिलट्ठी पुत्र हो जाते हैं। आंसर क्या है, ए हो जाएगा, है ना, संजय बिलट्ठी पुत्र है। अगला देखेंगे हम लोग, और इस सेशन यहीं पे हमारा समाप्त होता है टॉपिक रिवाइज में। और जो हम लोग अभी किए बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और बीपीएससी 70 देने वाले के लिए तो और महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्न में से किस संप्रदाय को संदेहवादी संप्रदाय कहा जाता है। 24 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, किस संप्रदाय को संदेहवादी संप्रदाय कहा जाता है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हो जाएगा अनिश्चयवादी संप्रदाय को संदेहवादी संप्रदाय कहा जाता है ना, अनिश्चयवादी। चलिए इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, बिहार का राजनीतिक इतिहास में हम लोग बहुत सारा मगध पे शासन करने वाले जितने भी वंश हैं उनके बारे में देखेंगे, मौर्य सम्राट देखेंगे, सुंग देखेंगे, बहुत सारा चीज़ें हैं जो देखेंगे हम लोग, ठीक है। मेडिवल और मॉडर्न भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। बहुत बेहतर ये सेशन है आपके टीचर के लिए। अगर आप इसे पूरा कंप्लीट करते हैं तो बिहार और भारत का जो कुछ इतिहास ज्योग्राफी है इसमें से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।